सीन पे सीन बार बार क्रिएट हो जाता है मामा। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पटेगा है कल का खत्म सारा अकेले तुमने कर लिया है? हाँ, लास्ट में दो ठो रखा था ना। हाँ। एक ठो अंकल ने फोड़ा, एक ठो मैं गोदी में रखा था। हाँ। गया। अरे यार उधर ही फोड़ ले जाएगा। मेरे नहीं मेरे सब छे नहीं लोग मजे बसो क्या गा थे ना तीन ले फिर पांच छह को पटे गले मैं दुकान ही रहे उतर बड़ा ले आते का बड़ा 100 रुपए गोटा है सेनो सेल तो रे बेसी राम को थे। अच्छा अरे असली देखे थे नहीं। अच्छा हां चाय पिएंगे हम तो चाय पिएंगे तब को तो नाखमा पिलोनिस के और शुगर आई बा का बेटा किना सही ना आगो गाइस थोड़ा हेयर कट कराने के लिए जाते हैं। थोड़ा ये सब बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है तो हेयर कट कराऊंगा। इसको बस कट में कन्वर्ट करता हूँ मैं। एवरी टाइम जब भी काटता हूँ तो बस कट ही काटता हूँ। मेरे को बहुत पसंद है ये कट स्पेशली, तो मेरा फेवरेट कट है। सो जो चूल मोलू मतलब मेरे को इतना सही नहीं लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही मेरा लेके रखा हुआ हूँ। बहुत गर्मी भी लगता है, ऊपर से मेरे को छोटा कट ही पसंद आता है। गाइस अभी पहले हेयर कट करते हैं, हेयर कट कराने के लिए जाता हूँ, उसके बाद सम्राट के घर जाऊँगा एंड उसको भी कुछ हेल्प चाहिए तो देखते हैं। सीन पे सीन बार बार क्रिएट हो जाता है। अरे भाग भाई तो सगे को थे तर कन्फर्म कि कन्फर्मेशन थे ना ते हामीले कन्फर्म ते नै गरेको थियो। पैसा जस्तो सबै दिएर के भन्छ तर पनि एक महिना अगाडि पनि के भन्छ सातवटा वेटिङ थियो, अहिले तिनवटा वेटिङ छ। अरे टिकट का थोड़ा सीन हो गया था क्योंकि हमने एक महीना पहले मतलब जो बुकिंग कराया था वो बुकिंग का 7 वेटिंग लिस्ट में आया था। उसके बाद अभी जाके देख रहा हूँ तो अभी 3 वेटिंग लिस्ट पे है। सो लेकिन तत्काल में भी काफ़ी सारा मतलब ऐसा आ रहा है कि मतलब मे भी नहीं होने के चांसेस है, लेकिन मैं और एक जन से मैं अपना कांटेक्ट लगा रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। सो तो उन्होंने बोला है कि हो जाएगा तत्काल में, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। दिक्कत में आ गया हो यार ट्रेन कंफर्म नहीं है अभी तक। अलाहाबाद के रूट के लिए फ्लाइट की नहीं है, रूट काटने के लिए चलते हैं। टाइम वेस्ट बिना किए निकलना तो है भाई पता नहीं कैसे पर जाना तो है। अभी कुछ नहीं हुआ तो कभी कोई उपाय नहीं है, लेकिन देखते हैं। जब तक होप है तब तक ट्राई करना में क्या जाता है। क्या हो रहा है? बच्चा 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 मम्मी इंदे जो माजु देखिन हाँ प्रयागराज इंदे गुड आइडिया हाँ सॉरी आमिर आमिर ले जा इंदे यहाँ बड़ा इंदे पहले भैया जी के सैलून सैलून में प्रस्थान हो गया है। भैया जी चूल काटना है कटवाएंगे। फाइनली एट द एंड का रिजल्ट ऐसा है। थैंक यू सो मच भैया फ्री मेरे लिए तो मुझे खुद ही बहुत अजीब लग रहा है। क्या क्या चिकना लग रहा हुआ लेट्स टेक द रिएक्शन वीडियो। क्या बनाया कैसा लग रहा है नीचे का? वो तो पूरा सेव कर रखा था। हां सेव करने वाले थे ना। हां हां उनका मरण था कि कहीं किन ज्यादा बोल दूंगा। हां ना क्या नहीं सुनना तेरा जुगा डाल के ले। हां ये मेरा फर्स्ट टाइम शेव करेगा पता। हां बहुत कड़े मशक्कत के बाद प्लान चेंज होने के बाद मैं आज रवाना दे रहा हूं अलाहाबाद के लिए। कैसा हुआ जैसा भी हुआ मतलब अभी आराम से बैठ गए हैं, अब बाकी का जर्नी स्मूथली हो जाएगा। 73 में मतलब निकला है ना भाई साहब, इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है मतलब जल्दी जल्दी सामान पैक किया, मतलब करीबन 1.5 घंटे के अंदर सब कुछ पैक वैक किया, पैक वैक किया उसके बाद फिर खाना वाना रेडी कर लिया मम्मी ने, फिर जल्दी सब कुछ मौसम सब कुछ रेडी कर लिया, टिकट भी हो गया उसी टाइम में और अभी हम लोग ट्रेन में। इमेजिन नहीं था कि पापा मेरे साथ जाएंगे। और जी का मेरा तो बेड पूरा इस तरीके से रेडी हो चुका है, यहाँ पर चार्जर यूज़ कर लिया है, सब कुछ एकदम बढ़िया। मम्मी ने एकदम मस्त खाना पैक करके उस चोले पर दिया हुआ है एंड माई फादर व्हाट इज़ डूइंग अभी थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ा पढ़ने बैठूंगा। पर तो बहुत लंबा होने वाला है, अभी
अभी देखते हैं कहाँ पे जाके खत्म होता है। बने रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज आई डोंट कि उतना ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बहुत कुछ हुआ आज के दिन। सो दो थैंक यू सो मच एंड प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को। जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। गुड नाइट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।